हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज उमेश भारद्वाज वंस अगेन विद ऑल ऑफ यू। दोस्तों, इंग्लिश वोकैबुलरी 1000 वर्ड्स के सीरीज़ में आज है 7th क्लास। इससे पहले की 6 क्लासेज अगर अभी तक आपने नहीं देखी है सो आप चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर वो क्लासेज अवेलेबल हैं। देखिएगा, कुछ नया सीखेगा, कुछ नए तरीके से चीज़ें सीखेगा। आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है आज हमारे पास डिसमेल। डिसमेल का हिंदी में अगर बात की जाए मतलब होता है उदास हो जाना। ओके, अगर सनानम की बात की जाए डिप्रेस्ड हो जाना, टीडियस आप कह सकते हो, डिम कह सकते हो, DIM डिम। ओके, ग्लूमी कह सकते हो, GLOOMY ग्लूमी। ओके, डल कह सकते हो, DULL डल, या फिर डिंजी होता है एक वर्ड, DINGY डिंजी। ओके, एक जो मोस्टली पेपर में पूछा जाता है वो एक सोम्बर भी पूछा जाता है, SOMBRE। ओके, ये वर्ड भी आता है। इनफॉर्मल तौर पर आप आउफुल भी बोल सकते हो, AWFUL आउफुल, या फिर डिसग्रेस भी कह सकते हो। ठीक है, एंटोनिम की बात की जाए चीयरफुल, यानी कि जो खुश रहता है, या फिर गली। अब ये वर्ड हमने कल पढ़ा था, ठीक है, बदल और ये रिलेट किया था हमने कि भाई गली में क्रिकेट खेलने वाले जो बच्चे होते हैं वो बहुत प्रसन्न रहते हैं, हंसमुख रहते हैं, हैप्पीनेस होती है उनमें, चीयरफुल होते हैं वो लोग। ठीक है, सो डिसमिल को आप याद कैसे करोगे कि भाई इसका मतलब उदास होता है? भाई डी स्माइल करके याद कर सकते हो स्मेल, या ये स्मेल उदास कर देती है, या किसी की स्माइल अच्छी नहीं है, उदास भरी है, ऐसे आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। ओके, ये सेकंड वर्ड है हमारे पास परसिवर, और परसिवर का हिंदी में अगर बात की जाए मतलब होता है लगातार जारी रखना, और परसिस्टेंट, ये वर्ड हम पिछली 3 क्लासेज में रिपीटेशन में पढ़ रहे हैं फ्रिक्वेंटली, क्योंकि बहुत पूछा जाता है। सनानिम परसिस्टेंस या कंटिन्यूअस आप कह सकते हो। ठीक है, कि भाई गो ऑन कहते हो ना, गो ऑन, या कैरी ऑन, CARRY कैरी ऑन, कीप गोइंग, कि लगातार जारी रखो चीज़ों को, परसिस्टेंट रहो, डिटर्मिनेंट रहो, ये बोला जाता है कुछ उसी तरह से। ओके, इसको याद कैसे कर सकते हो? पर और ये पर रिलेट करके आप याद कर सकते हो। परसिस्टेंट बहुत बार पढ़ चुके हो, परसिस्टेंट का मतलब पता है, सो परसीवर भी उसी से आप रिलेट कर सकते हो, या फिर परसों वियर करके कर सकते हो कि भाई परसों कुछ वियर किया था, इस वियर को आप WEAR वियर वाला पढ़ सकते हो। ठीक है, कि लगातार वही वियर कर रहे हैं तो उसी के ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, एंटोनिम की बात की जाए सीज करना या स्टॉप कर देना, रोक लगा देना किसी चीज़ पर। ठीक है, और रुकावट के लिए खेद कहते हैं ना, रुकावट के लिए खेद है, या आपका किसी का अकाउंट सीज कर दिया गया, क्विट कर दिया गया, गिव अप कह सकते हो आप एक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। स्क्वैलिड। स्क्वैलिड का हिंदी में अगर बात की जाए सो मतलब होता है गंदा, घटिया, या कुछ भी आप बोल सकते हो, फेटाइड, फ्लीथी, और डर्टी कह सकते हो, डर्टी तो आपको मतलब पता ही है। ठीक है, और दूसरा है भाई ग्रेबी, GRUBBY, ग्रेबी यूज़ कर सकते हो, या फिर स्लम लाइक कर सकते हो, कि भाई स्लम पता है ना, स्लम क्या होता है, मुंबई में तो बहुत बड़े बड़े स्लम हैं, एशिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी, वहाँ पर बहुत कोरोना चल रहा है इस टाइम पे। ओके, या फिर आप कह सकते हो एक सोर्डिड होता है, SORDID सोर्डिड, या फिर एक मक्की होता है, MUCKY मक्की। ठीक है, ये सभी किसके सिनोनिम है? स्क्वालिड के। ठीक है, इसका मतलब होता है गंदा या घटिया। सनानिम एंटोनिम की बात की जाए तो भाई जो गंदा होता है उसका एंटोनिम क्या है? क्लीन, जो साफ सुथरा रहता हो, जो डिसेंटली बिहेव करता हो, डिसेंट होता। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। मायर। मायर का मतलब जो हिंदी में होता है उसे कहते हैं कि भाई फंस जाना किसी तरीके से, जैसे दलदल में फंस जाना, या फिर दलदल भी इसका एग्जैक्ट वर्ड है, कि भाई दलदल या फिर फंस जाना। अब मार्श या फिर मड, मड किसको बोलते हैं? जो गीली मिट्टी होती है ना उसी को मड बोला जाता है, या फिर आप स्लज कह सकते हो, SLUDGE। स्लज एक्चुअल में यूज़ होता है जो वेस्ट निकलता है ना फैक्ट्रीज वगैरह से, और उन्हीं के आसपास में इकट्ठा होके वो एक दलदल जैसा एरिया क्रिएट कर देता है। ठीक है, स्लाइम कह सकते हो, SLIME स्लाइम कह सकते हो, या फिर मड़ी कह सकते हो, मड़ी मड से ही बना है, MUDDY, जहाँ पर बहुत सारी गीली मिट्टी इकट्ठी हो जाए। ओके, याद कैसे करोगे? मेरा यार से कर सकते हो, माई इरा या मेरा यार करके बोल सकते हो इसको। ठीक है, कि भाई दलदल में फंस गया या कहीं पर भी फंस गया। ठीक है, एंटोनिम की बात की जाए क्लीननेस की, भाई साफ़ सुथरी जगह हो जहाँ पर होती है, जहाँ पर ये कीचड़ वगैरह नहीं होता। ठीक है, या रिलीज़ की, चीज़ें फंसी ना रहें, रिलीज हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। लर्क। लड़का हिंदी में मतलब होता है कि भाई छिपना, या फिर घात लगाकर बैठ जाना। घात लगाकर बैठने का भी मतलब क्या होता है? कि भाई आप कहीं पर छिप कर बैठे हुए हो और जैसे ही दुश्मन आता है आप हमला कर देते हो। ठीक है, सो एक वही वर्ड होता है। सिनोनिम की बात की जाए कंसिल। कंसिल का मतलब छुपना ही होता है, या फिर स्नूप। ये वर्ड याद कर लीजिए, अभी तक बहुत कम पूछा गया एग्जाम में, लेकिन NDA के एग्जाम में ये पूछा गया था। ठीक है, एंटोनिम की बात की जाए कम आउट, यानी कि बाहर निकल कर आ जाना, या फिर अनहाइड,
मतलब छुपा हुआ था और अब बाहर निकल कर आ गया, अनहाइड हो गया। तो सिनोनिम में आप हाइड भी कह सकते हो एक तरीके से, ठीक है, या फिर टेक कवर कह सकते हो, TAKE, टेक कवर, कि भाई वो खुद को कवर कर रहा है। स्निक कह सकते हो, SNEAK, स्निक, ओके। और हाइड तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। लर्क का यही मतलब होता है, या फिर लर्क को याद कैसे कर सकते हो, लड़के करके याद कर सकते हो, लर्क लड़के, ओके। तो लड़के हाथ लगा कर बैठे रहते हैं किसी को मारने के लिए। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं, ड्विंडल। ड्विंडल का मतलब होता है डिक्रीज हो जाना, कम हो जाना, किसी चीज़ में गिरावट हो जाना एक तरीके से। रिड्यूस, ठीक है, डिक्रीज लिखा हुआ है, डिमिनिश लिखा हुआ है, दोनों का ही मतलब डिक्रीज हो जाना होता है, या रिड्यूस आप कह सकते हो एक वर्ड, रिड्यूस हो जाना, लिसन हो जाना, LESSEN, लिसन, ठीक है। या फिर गो डाउन कह सकते हो, मान लीजिए कोई ग्राफ है, ग्राफ पहले ऊपर की तरफ जाता है और फिर ग्राफ डाउन चला जाता है। अच्छा, एक वर्ड हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, प्लमेट, PLUMMET, ठीक है। प्लमेट का मतलब हमने बताया था कि भाई जो ऊपर से लुढ़कती हुई चीज़ आती है और नीचे तक आ जाती है, मतलब ऊपर से लुढ़कना स्टार्ट कर देती है। तो वो भी एक तरीके से क्या हुआ, डिक्रीज हो रहा है, गो डाउन हो रहा है वो भी, ठीक है। टेल ऑफ हो रहा है, टेल ऑफ, कि भाई टेल की तरफ मूव कर रहा है, पीछे की तरफ धकेला जा रहा है, ठीक है। सो ये सभी वर्ड हैं। एंटोनिम की बात की जाए इसका, तो एक्सपेंड होना यानी कि फैल जाना, या फिर एक्सटेंड हो जाना, बढ़ जाना किसी चीज़ का। ड्विंडल का मतलब डिक्रीज हो जाना, तो भाई एक्सटेंड का और एक्सपेंड का मतलब बढ़ जाना, ओके। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं, डेपोडेंसी, ओके, डेस्पोडेंसी, सॉरी पहले प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया था। डेस्पोडेंसी का हिंदी में अगर बात की जाए तो मतलब होता है उदासी, निराशा, या एक तरीके से हमने डिसमेल जो फर्स्ट वर्ड पढ़ा उसी तरीके से, ओके। सैडनेस आप कह सकते हो, डिप्रेशन कह सकते हो, डिस्करेजमेंट कह सकते हो, डिस्करेजमेंट स्पेलिंग बहुत बढ़िया है, स्क्रीन पर आएगी नहीं, ठीक है, देख लेना। लो स्पिरिट कह सकते हो, कि भाई स्पिरिट में कमी है, ठीक है, लो स्पिरिट कह सकते हो, या फिर होपलेसनेस कह सकते हो, ग्लूम कह सकते हो, GLOOM, ग्लूम कह सकते हो, ओके। एक वर्ड है डिसोल्यूशन कह सकते हो, कि भाई डिसोल्यूशन, DESOLATION, ठीक है, डिसोल्यूशन कह सकते हो। ये सभी क्या हैं, सिनोनिम्स हैं डेस्पोडेंसी के। हिंदी में मतलब होता है उदासी, निराश। डेस्पोडेंसी को याद कैसे करोगे, देश और पोंड कह सकते हो, देश के पोंड। अब आप ये मानकर चलिए जैसे गाँव गंवान में होते हैं ना, जिनको कहते हैं भैंसों का स्विमिंग पूल एक टाइप से, ठीक है, उनमें बहुत कमी आ रही है या उनकी हालत बहुत खस्ता है, तो गांव के लोग निराश हैं, लोग उदास हैं, ओके, इस तरीके से कह सकते हो, या फिर देख लो जैसे भी बनता हो। एंटोनिम चीयरफुलनेस, भाई कोई सैड है तो उसका एंटोनिम क्या होगा, चीयरफुल। ग्ली का मतलब अभी हमने पढ़ा था, अरे वापस से आ गया है। नेक्स्ट वर्ड है माइराइड। माइराइड का अगर हिंदी में बात की जाए तो मतलब होता है कि अनगिनत, मल्टीप्लड, या फिर काउंटलेस, इन्फिनिटी, जिसको आप काउंट ना कर सकें किसी तरीके से। लाइक एक क्राउड बोल दिया हमने कि भाई क्राउड आया हुआ है, सो क्राउड का मतलब क्या होता है कि आप काउंट नहीं कर सकते कि कितने कैंडिडेट हैं, ठीक है। आप ये नहीं बता सकते कि भाई 1,000 लोग हैं, 2,000 लोग हैं, आप काउंट नहीं कर सकते उन चीज़ों को। लाइक हम, मैं अगर एक वर्ड बोल देता हूँ, हंड्रेड्स, बिलियंस, ट्रिलियंस, तो कहने का मतलब वो चीज़ें अनकाउंटेबल हैं, आप उनको काउंट नहीं कर सकते। अगर मैं एक वर्ड कहूँ सी, समुद्र, आप इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, कितना क्या चीज़ है, कितना पानी है, कितना गहरा है। सी मतलब एक तरीके से, इन द सी, आपने एक इडियम पढ़ा होगा, ठीक है, इन द सी मतलब कन्फ्यूज़न में, बिल्कुल कि आप पता ही नहीं लगा पा रहे कि क्या सिचुएशन है, एक्चुअली अनगिनत हैं वो चीज़ें। सो माइरेड का यही मतलब होता है। सो आप कह सकते हो माइरेड, या मेरी याद से आप कह सकते हो कुछ, कि मेरी यादें बहुत अनगिनत हैं, ठीक है, इस तरह से। एंटोनिम की बात की जाए, लिमिटेड और मेजरेबल, यानी कि जो बहुत लिमिटेड हो, जो काउंटेबल हो, या मेजरेबल हो, जिसको आप मेजर कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं, मैनुअल। मैनुअल का हिंदी में मतलब देखिए, नोविस लिखा हुआ है ना, नोविस का मतलब नौसिखिया होता है। सो मैनुअल का मतलब भी क्या हो गया, एक तरीके से साधारण, दयनीय स्थिति में जो होता है, बिल्कुल बेसिक चीज़ों के साथ, अनस्किल्ड कह सकते हो, जिसको स्किल्ड ना हो, ठीक है, बिल्कुल नया नया बंदा है कोई, उसको बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं है, ओके। डिग्रेडिंग कह सकते हो, कि भाई उसकी ग्रेड्स भी अच्छी नहीं है, क्योंकि अभी तक उसने खुद को ग्रेड अप किया ही नहीं है, ओके। और ग्रेड अप कर लेगा तो वो क्या बन जाएगा, स्किल्ड बन जाएगा। या फिर ब्लू कॉलर एक आता है, और ये इडियम के तौर पर यूज़ किया जाता है, ब्लू कॉलर, ठीक है, ब्लू कॉलर कह सकते हो, एब्जेक्ट कह सकते हो। एंटोनिम की बात की जाए, एलिवेटेड, यानी कि जो एकदम स्किल्ड है, परफेक्ट है, ठीक है, सब कुछ सीखा हुआ है, उन्नति की तरफ बढ़ रहा है, ओके। सो मेनियल को याद कर सकते हो, मी और नेल्स, मेरे नेल्स के तौर पर याद कर सकते हो, मेरे नेल्स बहुत साधारण हैं, नए हैं बिल्कुल, कुछ ऐसे। या मेन ऑयल करके याद कर सकते हो, कि मेन ऑयल,
जो होता है वो बहुत साधारण तौर का होता है, साधारण तरीके से यूज़ किया जाता है। मोड़ीकम का मतलब होता है हिंदी में, ओके ये नेक्स्ट वर्ड है ध्यान रखना, मोड़ीकम का मतलब होता है कम, थोड़ा। अब इसी से इसको याद कर लो, मोदी इसका मतलब हिंदी में होता है कम, थोड़ा, या फिर लिटिल आप कह सकते हो। इसका एक ड्रॉप्स, लिटिल वर्ड तो आ ही गया, ड्रॉप का मतलब कुछ गिनी चुनी चीज़ें, ठीक है, या फिर आप फ्रेगमेंट कह सकते हो। फ्रेगमेंट्स मतलब फ्रेगमेंट एक तरह, या फिर एक वर्ड होता है यार ध्यान नहीं आ रहा, फ्रेगमेंटेशन होती है ना, कोई बहुत बड़ा स्केल होता है उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो उसको क्या होता है, फ्रेगमेंट होते हैं वे, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन आप कह सकते हो। डिवीज़न आपने कर दिया, जॉट कर दिया आपने, JOT, जॉट, या फिर डैश कह सकते हो, DASH, डैश, ठीक है, ये सभी वर्ड्स हैं। एंटोनिम की बात की जाए तो एटर्निटी मतलब एट्रिटी, एट्रिटी का मतलब होता है कि अनंत काल तक बहुत सारा। एम्पल का मतलब प्रचुर मात्रा में, एफ्लुएंट बोल सकते हो, ठीक है, प्रोफिशिएंट बोल सकते हो, प्रोफिशिएंट तो खैर अलग वर्ड हो गया, प्रोफिशिएंट रहने देना, एम्पल बोल सकते हो। इंजेनियस वर्ड आपने पढ़ा होगा, मैंने एक पोस्ट भी किया था कम्युनिटी टैब पर, ट्विटर पर भी, तो उसमें मैंने ये वर्ड यूज़ किया था, इंजेनियस। सो इसका मतलब होता है निष्कपट, ईमानदार, ओके, फ्रैंक, ऑनेस्ट। अब यहाँ से वर्ड निकल कर आता है कैंडिड, इनोसेंट, सिंपल, ट्रस्टिंग, ट्रस्टफुल, चाइल्ड लाइक एक तरीके से आप कह सकते हो कि भाई जैसे बच्चे जैसा होता है, ठीक है, आर्टलेस होता है वो, आर्टलेस मतलब जिसको चालाकी पता ही ना हो बिल्कुल, जो एकदम जेनुअन हो, तो जेनुअन भी कह सकते हो, ठीक है। सो ये सभी जो वर्ड हैं वो ये हैं इसके सिनोनिम, रिपीट कर रहा हूँ एक बार, इनोसेंट कह सकते हो, सिंपल, ट्रस्टिंग, ट्रस्टफुल, चाइल्ड लाइक, आर्टलेस, जेनुअन, ओके। एंटोनिम की बात की जाए डिसाइटफुल और स्ले कह सकते हो, डिसाइटफुल वही ना, मतलब एक जो मतलब ज़्यादा आर्टफुल होता है, आर्टफुल बोले तो जो ज़्यादा चालाकी करता है एक तरीके से, डिसाइटफुल जो पागल बनाता है, बेवकूफ़ बनाता है दूसरों को, वो वर्ड होता है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं, ओके, ये है मुल। मुल का हिंदी में जो मतलब होता है, देखो पोंडर मेडिएट लिखा हुआ है ना, इसका अपने आप में मतलब होता है विचार मग्न होना। पोंडर का मतलब क्या होता है, विचार करना, विचार मग्न होना, मेडिएट करना, या फिर एक पेंसिव आता है, मतलब एक वर्ड आता है पेंसिव। सो पेंसिव का क्या मतलब होता है अपने आप में, कि पेंसिव थॉट्स क्रिएट होते हैं, कि विचार मग्न होकर बैठा हुआ है कोई बंदा, ठीक है। एंटोनिम की बात की जाए डिसरिगार्ड या फिर इग्नोर, कि वो कुछ सोच नहीं रहा, एकदम इग्नोर कर रहा है चीज़ों को, किसी चीज़ का रिगार्ड नहीं है। अगर यहाँ पर डिसरिगार्ड बोला गया है तो आप यहाँ पर रिगार्डफुल भी बोल सकते हो, विद रिगार्ड भी कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं, ओके, रिविजन स्लाइड है, मैं सेट कर देता हूँ ज़रा एक बार जल्दी से। सो रिविजन आप देखिए ये भी किया कीजिए, बहुत कम टाइम में सभी चीज़ें रिपीट करते हैं। सबसे पहला वर्ड हमने पढ़ा डिसमिल, तो डिसमिल का हमने देखा कि भाई वर्ड क्या होता है, उदासी। इसके सिनोनिम हमने देखे कि भाई डिम होता है, ग्लूमी होता है, डल, डिंजी, सोम्बर। इनफॉर्मल तौर पर हम ग्रेसफुल कह सकते हैं, ठीक है, या आवफुल कह सकते हैं, ठीक है। प्रिजर्व का हमने पढ़ा कि प्री से हमने परसिवर से परसिस्टेंट हमने पढ़ा, ठीक है, सॉरी ये मैं प्रोनाउंस गलत कर दिया था मैंने, ठीक है, परसिवर है ये, तो परसिस्टेंट इससे बनता है, तो परसिस्टेंट आप कह सकते हो, कॉन्टिन्यूस कह सकते हो, कैरी ऑन, गो ऑन, कीप गोइंग। एंटानिम के तौर पर सीज या स्टॉप कह सकते हो। स्क्वेडल का मतलब गंदा या घटिया हमने पढ़ा था, कि डर्टी होना, ग्रैम्पी होना, स्लम लाइक बोला था मैंने एक, ठीक है, स्लम लाइक कह सकते हो। और इसके एंटानिम के तौर पर क्लीन या डिसेंट। मायरी का मतलब हमने पढ़ा कि भाई मेरा यार फंस गया कहीं पे, सो क्या था ये वर्ड, एक्चुअली नाउन के तौर पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। स्लज, स्लैम, मडी, या फिर आप कह सकते हो मार्श हमने पढ़ा, मार्श, या फिर मड, मड बोले तो गीली मिट्टी, ठीक है। लड़का हमने हिंदी में मतलब पढ़ा छिपना, कि भाई लड़के घात लगाकर छिपे हुए थे। और इसका जो सिनोनिम कंसिल हो गया, स्नूप हो गया, टेक कवर, स्नीक, ये हमने पढ़े। ड्विंडल का मतलब हमने पढ़ा डिक्रीज हो जाना, डिमिनिश हो जाना, या फिर रिड्यूस कर देना, गो डाउन। प्लमेट एक वर्ड पढ़ा, टेल ऑफ पढ़ा हमने, ठीक है। डेस्पोटेंस ऐसा, इसके जो एंटोनिम थे वो भी आप साथ साथ करते रहिएगा, कि एक्सपेंड हो जाना, एक्सटेंड कर जाना, इंक्रीज हो जाना, सभी इसके एंटोनिम्स हैं, ओके। डेस्पोटेंसी का हमने पढ़ा कि भाई उदासी होता है, उदासी का मतलब डिस्करेजमेंट हो जाती है किसी को, लो स्पिरिटेड हो जाता है बंदा, होपलेसनेस हो जाती है, ग्लूम हो जाता है, डिसोल्यूशन हो जाता है। और अगर इसके एंटोनिम की बात की जाए तो खुश वाला खुश हो जाता है, गली हो जाता है, चीयरफुल हो जाता हैप्पीनेस हो जाती है, ठीक है, वो सारे वर्ड्स हैं। माइरिड हमने पढ़ा अनगिनत, मतलब कि माइरिड मल्टीट्यूड कह सकते हो, क्राउड कह सकते हो, बिलियंस, सी, काउंटलेस,
इनफाइनाइट, ये सभी वर्ड्स हैं इसके सिनोनिम में। और एंटोनिम में मतलब लिमिटेड हो गया, मेजरेबल चीज़ें हैं। मेनियल का मतलब हमने पढ़ा साधारण, दयनीय है कि भाई मेन ऑयल जो होता है वो बहुत साधारण सा होता है, चाहे आप सरसों का तेल यूज़ करें। अनस्किल्ड मतलब हर घर में मिल जाएगा, बहुत साधारण तौर पर यूज़ किया जाता है। अनस्किल्ड होता है, डिग्रेडिंग होता है, ब्लू कॉलर होता है। नॉविस, नॉविस मतलब नो सीखिया एक तरीके से, एब्जेक्ट आप कह सकते हो। एंटोनिम के तौर पर एलिवेटेड, स्किल्ड, नोबेल बोला जाता है। मोदी कम का मतलब हमने पढ़ा कि भाई बहुत थोड़ा, कम से हमने रिलेट किया ना कि मोदी बहुत थोड़ा ट्रैवल करते हैं। एक जोक बना देना इस पर, ठीक है, मोदी बहुत थोड़ा ट्रैवल करते हैं देश विदेश का। क्योंकि फ्रेगमेंटेशन हो गया, जोट हो गया, डैश हो गया, या फिर ड्रॉप्स या लिटिल आप कह सकते हो इसके सिनोनिम में। और एंटीग्रिटी और या फिर एम्पल, ठीक है, वो या फिर लग्जूरियस कह सकते हो, या फिर मतलब बहुत मात्रा में जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। इंजेनियस का मतलब होता है निष्कपट, ईमानदार, एकदम इनोसेंट सा, सिंपल सा, ट्रस्टिंग सा, ट्रस्टफुल, चाइल्ड लाइक, एकदम बच्चे जैसा, आर्टलेस जो होता है जिसमें चालाकी नहीं होती, जेन्युइन होता है, फ्रैंक होता है, ऑनेस्ट होता है। और एंटोनिम के तौर पर डिसाइट होता है या फिर स्ले होता है, ठीक है। मुल्क हमने पढ़ा कि विचार मग्न एक तरीके से, पोंडर, मेडिटेट, पेंसिव स्टेट में। और एंटोनिम के तौर पर डिसरिगार्ड और इग्नोर, ये सभी वर्ड्स पढ़े। आई होप आपको चीज़ें समझ आती होगी। फीडबैक जरूर दिया कीजिए यार, कमेंट सेक्शन में बता दिया कीजिए। और मैथ्स की क्लास आपको कल कैसी लगी वो भी बता देना मुझे। कंटिन्यू करूँगा वो सारी सीरीज, जैसा भी रहेगा, जितना भी टाइम निकाल पाएंगे वो अच्छे से करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिएगा, बहुत सारा कंटेंट वहाँ पर स्टडी रिलेटेड अवेलेबल है ऑलरेडी। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बाय बाय, टेक केयर।